फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस नॉलेज। आई एम फातिमा शेख। आज हम बात करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन की, हमारी विजुअलिटी की। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में एक पेन है, तो आप यकीन करेंगे? आप बोलेंगे यस, हमने देखा है कि आपने एक पेन पकड़ा हुआ है। पर अगर मैं कहूं कि मेरे हाथ में बहुत सारी एयर्स और गैसेस का मिक्सचर है, ये जो एयर है एटमोसफियर में, इसमें बहुत सारी गैसेस है और मैंने इसको अपने हाथों में ले रखा है, या मैंने जो भी सांस छोड़ी, जो एयर एक्सहेल करी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के टू मॉलिक्यूल्स है, तब आप यकीन करेंगे? आप बोलेंगे हम कैसे यकीन कर सकते हैं, वो तो हमने देखा ही नहीं। चलिए इस बात को छोड़िए। आप देख रहे हैं ये बोर्ड है, ये बोर्ड हार्ड है, मतलब ये सॉलिड है। अब मैं आपसे कहूँ ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है, देन यू बिलीव ऑन मी? आप क्या सोच रहे हैं अगर इसको यहाँ से क्रैक कर दें, यहाँ से तोड़ दें, इसका थोड़ा सा हिस्सा लेके बताएं, क्या ये एटम्स है? नो, एटम्स इससे भी छोटे पार्टिकल हैं, बहुत ज्यादा महीन, बहुत ज्यादा बारीक, जो आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते। तब ये तो मजाक की बात होगी, आप सोचेंगे तो हंसी की बात है, जो चीज हम देख नहीं सकते उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिना देखे, बिना छुए, बिना टच करे, इज इट पॉसिबल? यस, आवर साइंटिस्ट मेक देम इट पॉसिबल। अब देखिए, किसी का वेट होता है 100 kg, किसी का वेट होता है 50 kg, किसी का 10 kg या किसी का 5 ग्राम। अब मान लीजिए ये पेन मैंने नीचे छोड़ दिया, अब मेरे हाथ में कोई वजन नहीं है, ये जो है क्या 0 ग्राम है? नो, ये 0 ग्राम नहीं है, ये हो सकता है -5 ग्राम हो, मतलब जो इसका वेट है माइनस में जाएगा, जीरो में नहीं जाएगा, ये माइनस में जाएगा। क्या ये -5 ग्राम है, या -10 kg है, या -100 kg, और 10^-10 kg है? हाउ इज इट पॉसिबल? कोई चीज रिवर्स में कैसे जा सकती है? जब तक कि हम उसे पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ हाँ ये है, ये 5 किलो का है, ये 10 किलो का है, या 100 किलो का है, पर जो चीज है ही नहीं उसको आप माइनस में कैसे मेजर कर रहे हैं बिना ऑब्जर्व करे? तो इन लोगों ने ये सब ऑब्जर्व करा है। सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट थे, मैं आपको सारा डाटा नहीं बताऊंगी कि कौन से ईयर में किस चीज की इन्वेंशन हुई, क्योंकि इससे अपनी स्टडी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और पढ़ने में हमको बर्डन सा लगेगा कि हम तो साइंस को पढ़ रहे हैं अपने नॉलेज के लिए, हम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं साइंस से, हमें इससे डाटा लेकर अपने मतलब हेडेक नहीं लेना है कि हाँ चलो हमें हेडेक हो रहा है इसको पढ़ने से, तो हमारा सर दुख रहा है। हम बस जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज कैसे वजूद में आई, और क्या ये पॉसिबल है कि छोटी से छोटी चीज को देखना, जैसे अभी मैंने बात करी कि 10^-10 kg भी वेट हो सकता है, क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो एटम्स है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके भी छोटे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं? एटम्स, मैंने आपसे कहा कि एटम्स की पावर जो है, एटम्स जो है बहुत ही नेग्लिजिबल वेट है इसका, आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप इसको देख नहीं सकते। अब हमारे साइंटिस्ट ने एटम्स के भी एटॉमिक पार्टिकल का इन्वेंशन की रिसर्च कर ली कि एटम भी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो चलिए पहले हम उन सब की बातें बाद में करेंगे, पहले हम ये बताते हैं आपको कि आप मुझे बताइए कि आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमारी आंखों की। और अगर किसी की आंखें कमजोर होती हैं तो क्या लगाता है? स्पेक्टिकल्स यूज करता है, जिससे उसे दूर की चीज़ पास और पास की चीज़ थोड़ी बड़ी दिखती है। इसी तरीके से उनको जो मीडियम है जो आंखों तक सारी इमेज पहुंचाता है, उसे हम ग्लास में, ग्लास जैसा वो ग्लास होता है जिससे चीजें होती हुई हमारी आंखों को पास हो जाती है। तो ग्लास किस चीज से बना है? ग्लास बना है सैंड से। सैंड के अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सैंड को आप जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे, मैक्सिमम 1700 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसको सडनली आप कूल करेंगे, तब किस चीज का फॉर्म होगा? तब ग्लास का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद उसपे खूब वर्क किया जाता है, उसको इस अकॉर्डिंग उसको मॉड्यूल कराया जाता है, जिससे वो दूर की चीज पास, पास की चीज दूर कर सके, जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। नाउ वी टेल यू व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लास एंड हाउ कैन दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लासेस। फर्स्ट दे इन्वेंट कॉनकेव लेंसेस। व्हाट इज कॉनकेव लेंसेस? हैविंग अ सरफेस दैट कर्व्स टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ समथिंग, मतलब जो किसी के अंदर की तरफ मुड़ा हो उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। और व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस? हैविंग अ सरफेस दैट कर्व्स टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ समथिंग, मतलब जो किसी की बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और जो अंदर की तरफ मुड़ा हो उसे कहते हैं कॉनकेव लेंस। इन दोनों लेंसेज को बुलाकर इन्होंने क्या बनाया? मैग्निफिकेंट लेंस। अब आप मुझे बताइए कि आपके घर में कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कॉन्केव ग्लास भी हो और कॉन्वेक्स ग्लास भी हो? सोचिए। यस, बल्ब, लाइट बल्ब। एक लाइट बल्ब के अंदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स दो ही टाइप के ग्लास होते हैं। अगर आपको छोटा मोटा मैग्निफिकेंट लेंस बनाना हो तो आप क्या करो, अपने बल्ब के अंदर वाटर भर लो, पानी भर लो, फिर उससे आप किसी भी चीज को, छोटी चीज को आप देखोगे तो आपको थोड़ी सी, लिटिल बिट बड़ी, ज्यादा मैग्निफाई नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि छोटा सा मैग्निफाई में
एक्सपेरिमेंट के लिए कह रही हूँ आपसे, बनाकर देखना अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाएगा उस चीज को, बस थोड़ा बहुत कर लेगा जिससे थोड़ी चीज बड़ी दिख जाएगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बाय एनलार्जिंग विद टू कॉन्वेक्स लेंसेज। माइक्रोस्कोप क्या है, जो मैंने आपको बताया कि हमने एटम्स की खोज कर ली है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम्स का बहुत ही छोटा पार्टिकल है उसकी भी खोज कर ली गई है, उसके वेट के बारे में, उसके मास के बारे में भी बता दिया गया है। तो हम बताते हैं कि माइक्रोस्कोप के जरिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को देखा गया। ये बात तो हमारी ये हो गई है, पर आगे वाले साइंस में, आगे वाले जमाने में इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के अलावा दो चीजें और खोज ली हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा छोटी हैं, एटम का ही पार्ट है, वो है बोसॉन और क्वार्क्स। अब आप खुद सोचिए, ये लोग छोटी से छोटी चीजों को हमें दिखाने के लिए कितनी रिसर्च कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये रिसर्च की शुरुआत कैसे हुई थी, आज हम इसके बारे में बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि किसी हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने एक एप्पल को कट करा, एप्पल को कट करके उन्होंने प्लेट में रखा, अब उन्होंने सारा एप्पल खा लिया, अब प्लेट क्या होगी, खाली होगी। उन्होंने किसी से पूछा बताओ इस प्लेट में क्या है, उन्होंने बोला सर ये प्लेट तो एम्प्टी है, खाली है। उन्होंने बोला नो, इसके अंदर कुछ फ्रेग्रेंस है। अब फ्रेग्रेंस क्या है, सबने हंसी उड़ाई, क्या हो सकता है, खाली प्लेट की स्टडी कैसे कर सकते हैं, तो खाली है। इसी तरह हमारा एटमॉस्फेयर भी खाली नहीं है, ये मिक्सचर है तरह तरह की गैसेस का, तरह तरह की सब्सटेंस का, जो सब हमें पता चला स्टडी के जरिए, रिसर्च के जरिए। और ये बात सही है, ये सब पता चला हमें माइक्रोस्कोप के जरिए। चलिए हम पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। अब बच्चों हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन रेंज की, कि मैग्निफिकेशन वो कितनी हद तक कर सकता है। ये रहे मैग्निफिकेशन इंस्ट्रूमेंट और एग्जांपल। अब बताइए, कभी हमें किसी चीज को, छोटी चीज को देखना रहता है, हम अपनी आंखें सूखेड़ के पूरी तरीके से खोलते हैं, मतलब हम नेचुरली अपनी आंखों को, जैसे कि सुई में धागा लगे हो तो हम अपनी पुतलियों को सुकेड़ते हैं, फिर उसको चौड़ा करते हैं, ये हमारा नेचुरली मैग्निफिकेशन लेंस है अपनी आईज। वो किस हद तक जा सकती है, 1 मैग्नीफाई रेंज तक। वो हम नेक्ड आई से क्या देख सकते हैं, एक हेयर, एक सुई का छेद देख सकते हैं, एक पतला धागा देख सकते हैं, पर क्या हम एयर फ्रेग्रेंस देख सकते हैं, मोस्टली कभी कभार जो धुआं निकलता है काला काला, उस तक को हम देख सकते हैं। बट अगर हम इसको 2 से मैग्नीफाई रेंज जो है 2 to 5 कर दें, तो हम क्या देख सकते हैं, हम एक मैग्नीफाई ग्लास बना सकते हैं जिससे हम क्या देख सकते हैं, प्लांट और इंसेक्ट को देख सकते हैं जो बहुत ही बारीक है। अब हम इसकी रेंज 10 to 20 कर देंगे, तो हम स्ट्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोप जिसके हम जरिए हम वाटर फ्लीज को देख सकते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं छोटे छोटे से कीड़े, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम किस रेंज के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, 10 to 20 की रेंज वाले मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अब 50 इसकी रेंज कर दें, हम 50 मैग्नीफाई कर दें ग्लास को, तो क्या बन जाएगा, अपराइट इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन सम इंसेक्ट, जो इंसेक्ट रहते हैं छोटे छोटे से, उनकी आईज तक को देख सकते हैं। अब हम इसको मैग्नीफाई 80 to 100 कर दें, तब भी अपराइट इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप ही होंगे यहाँ तक के, तो हम किसी भी कंपाउंड्स को देख सकते हैं। कंपाउंड्स मतलब जो दो चीज़ों से मिलकर बना है, हम बता सकते हैं कि हाँ ये दो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बना है। अब हम उसकी मैग्नीफाई की जो कैपेसिटी है उसे 200 कर दें, तो हम क्या देख सकते हैं, पोलन को देख सकते हैं। आप जानते हैं वाटर फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पोलन के जरिए काम करता है, हम उसके फ्लावर्स के पोलन को देख सकते हैं। और हम उसकी 400 मैग्नीफाई कर दें इसको, तो हम एल्गाई, जो कि पानी के अंदर हरी हरी घास होती है, आपको याद हो तो हरी हरी घास क्या होती है, वो एल्गाई जो कंजी रहती है, वो भी एक लिविंग थिंग है, हम उसको देख सकते हैं। अब हम इसकी रेंज 800 to 1500 कर दें, तो हम सेल और क्रोमोसोम, सेल क्या है, जिसे एटम नॉन लिविंग थिंग का सबसे स्मॉल पार्टिकल है, उसी तरीके से सेल लिविंग थिंग्स का सबसे स्मॉल पार्टिकल है, सेल को बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम माइक्रोस्कोप जो लेंसेस की जो मैग्निफिकेशन की कैपेसिटी है 2000 to 1 lakh कर दें, तो हम क्या वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन जाएगा, उससे हम इलेक्ट्रॉन्स और डीएनए को देख सकते हैं। अब डीएनए क्या है, जो सेल जो मैंने आपको बताया बिल्डिंग ब्लॉक है, सेल के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, तो आपको ये एक 2000 to 1 lakh कैपेसिटी वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए आप इलेक्ट्रॉन और डीएनए दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब आपको यकीन हो गया कि जो चीज़ हवा में है, जिसका वेट नहीं है, उसे भी माइक्रोस्कोप के लेंस के जरिए देखा जा सकता है। और उसका वेट कैसे मेजर करेंगे, वेट ये तो उसको सिर्फ ऑब्जर्व के लिए है कि उसकी लेंथ ऑब्जर्व कर लो, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी ब्रेथ और वाइडनेस कितनी होगी, पर उसका वेट कैसे मेजर करेंगे, उसके वेट के लिए इंस्ट्रूमेंट बना है, वो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री,
जिसकी स्टडी भी हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। बाय।